तो आज के दिन की शुरुआत होती है इस प्यारी सी धूप में एक कप चाय के साथ। मेरे भैया कुछ कह रहे हैं, भैया कुछ कहे, बोल बोल। ये मेरे चाचा ये देखो, ये हड़क गए हैं, इनको आगरा में भेजना पड़ेगा ताज पागलखाने भाई में। बोना। भैया आप कुछ कहना चाहोगे अरे मेरे व्लॉग हाँ, में? मैं लोग में कहना चाहता हूँ, इसका लाइक कमेंट शेयर ज्यादा करिए। थैंक यू। तो सुबह सुबह मैं जा रही थी नहा धो के खेत में, क्योंकि हमें प्याज की रोपाई करनी है। बीच में रास्ते में चाचा और भैया मिल ही गए, तो उनके साथ थोड़ी मस्ती भी कर ली। तो मैं खेत में जब भी आती हूँ मैं इनसे ज़रूर मिल के जाती हूँ, और ये भी इतने समझदार हो गए कि मेरी आवाज़ सुन के मेरे पास आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा यही समझदार है, यही मेरे पास आता है। शायद आज ये बीमार है तभी तो देखो मेरे पैरों में आके बैठ गया। लेकिन पहले मैं थोड़ा काम करके जाऊँ, फिर इसके बाद इसके लिए दवाई लेके आऊँगी। ये हमारी पौध की क्यारियाँ, पौध हमने आज पूरी नहीं उखाड़ी क्योंकि केवल दो ही मजदूर मिले हैं। अभी सीजन चल रहा है प्याज की रोपाई का, तो मिल नहीं रहे। प्याज की रोपाई का भी टाइम भी जा रहा है, इसलिए हम मजदूरों के भरोसे नहीं रह सकते, इसलिए हम भी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ वापस घर, क्योंकि मुझे उस कुत्ते के लिए, बच्चे के लिए दवाई लेके आनी है। तो मुझे उसे दवाई दूध में पिलानी है। वैसे तो मुझे एनिमल्स को दवाइयाँ देने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अपनी काउस को, सभी को मैं ही दवाई दिलाती हूँ और उन्हें देती भी हूँ। तो दूध में पिला रही हूँ, पीता तो सही है, वरना मैं ज़बरदस्ती भी पिलाना आता है। वैसे पी लेगा कुत्ते के बच्चे को तो दूध वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसे एक गोली का आधा भाग देने वाली हूँ, क्योंकि वो भी छोटा बच्चा है। तो उसे अच्छे से पीस कर फिर उसको दूध में मिला दूँगी, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, उसे पता भी ना चले। इस अकेले को हम पकड़ के इसलिए इधर लाया है क्योंकि उधर तीनों बच्चे हैं, तो इसको पीने नहीं देंगे, वो ही पी जाएंगे। पर जावा वीडियो बन रही है। कुछ कहना चाहोगे? अपनी जिंदगी में कुत्ते पालेगी और कुछ नहीं करोगी? कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार है इस लड़की को। तो वीडियो में फिर से मेरे भैया आ गए हैं और फालतू की बातें कर रहे हैं। वैसे मेरे भैया मजाक भी बहुत करते हैं। ये हमने रिंकू का बिंदाई क्या है, एक रिंकू का बिंदाई क्या है, एक एक बिंदाई की और तलाश है जो अब जल्द ही ढूंढने पर मिल जाएगा। तो दवाई को मैंने इसे पिला दी है, उसने पूरी पी भी ली है, थोड़ी बहुत रही है, तो मैंने पानी मंगवाया है। जितनी देर में मेरी बहन पानी लेके आती है, उतनी देर में मैं इसके साथ थोड़ी मस्ती कर लेती हूँ। पानी घोल कर पिलाए पी नहीं रहा था, तो मेरे को जबरदस्ती पिलाना पड़ा। चलो पी लिया, मैं जाती हूँ खेत में। बोल तो दे, मारी गया है। काय एक बड़ा थोड़ा बहुत है कुछ, तू ही बोल दे। तू ही बोल दे, बारे बस की बात बोले। मैं वीडियो बनाता तो बार मैं ही बोल दो भाई। क्या कर रहा है डुगू? क्या कर रहा है डुगू? कांदा चोप रहा। कांदा गलत बोल दिया। प्याज बो रहा हूँ। बो रहा हूँ क्या बो रहे हैं? आप आने इंग्लिश को ज्यादा शौक कौन है? कौन है हैं? फिर आप इंग्लिश तो आप स्कूल की नेशनल इंग्लिश हो जाए, इंग्लिश नहीं वो कहना, हिंदी हिंदी हो जाए, लेकिन अगर आपकी तो राष्ट्रीय बोली जो ना मारवाड़ी हो जाए। आप तो बाबा भाई बोला ला है। हाँ ये वीडियो तो ये बोल। तो आज डुगू भी मेरी हेल्प करने आया था, तो चला गया अभी वो। सारे दिन हम खेत का ही काम कर रहे थे। घर पर आई तो दीदी की फरमाइश आई कि पनीर के पकोड़े खाने हैं। पनीर लाए हुए भी बहुत दिन हो गए थे, वो ख़राब हो रहा था। दीदी ने कहा कि पनीर के पकोड़े ही बना दें, तो मैंने अच्छी तरह से वेजिटेबल्स काटी, बेसन डाला और उसमें पनीर डाल के उनको अच्छे से मिक्स करके उसमें मसाला डाल के उसको घोल तैयार किया। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाला, उसको तेल गर्म करके फिर तले मैंने पनीर के पकौड़े।